नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सरकार। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जान से मारने की धमकी देने और दो कर्मचारियों को बंधक बनाने के साथ आधी रात को आए आपराधिक तत्वों ने कोरबा में SECL क्षेत्र से लगभग 1.25 लाख का सरिया पार कर लिया। कई घंटे बाद साइड इंचार्ज के इस बारे में जानकारी हुई। बताया गया कि घटना को अंजाम देने वाले लोग रापा खरा की तरफ से आए थे। इस घटना से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जिले में अवैध गतिविधियां बंद हैं तो यह सब आखिर कैसे हो रहा है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा कोरबा एरिया के अंतर्गत नया साइलो और रोड ओवरब्रिज तैयार किया जा रहा है। यह दोनों प्रोजेक्ट करोड़ों के हैं। इस वर्ष अप्रैल से इनकी शुरुआत की गई है। कंपनी के द्वारा माइंस क्षेत्र को बढ़ाने और आगे कामकाज को आसान बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसके लिए निर्माण एजेंसी ने बड़ी मात्रा में लोहे के अलावा अन्य सामान अपने कैंप में रखे हैं। खबर के अनुसार मध्यरात्रि को जब यहां कर्मचारी मौजूद थे तभी 6 से 7 लोग अपराध की नीयत से पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा के लिए नियोजित कर्मचारी को बंधक बनाने के साथ मुंह बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर आवाज निकाले तो जान से जाओगे। इस दौरान उन्होंने यहां से काफी मात्रा में सामान को पार कर दिया। वो जो 20 में वो रात उठाया सर, ऐसे 1:20 में, 2:20 में, 1:20 में। कहां पर सोए थे? यहीं थे सर। ऐसे कितने लोग आए थे? वो तो 5 आदमी मेरे पास में था सर, इधर बाकी आदमी वो उठा रहा था। अच्छा, क्या क्या रखे थे जो 5 आदमी आए थे? वो टांगे था, रड था। फिर आए तो क्या किए पहले? आपको मुंह बांधे? हाँ। क्या चीज किए पहले आए तो? वो आए तो हमको मुंह को बंद कर दिया। और क्या बोले? बोले हल्ला नहीं करना, नहीं तो मारेंगे। अच्छा, फिर क्या लिखे गए उन लोग, क्या क्या लिखे गए? रड भी लेकर के गया, रड ही रड, और कुछ नहीं लिया, नहीं कुछ। किसमें लिखे गए, कहाँ से लिखे गए उन लोग? यहाँ से लेकर के सर, ये जंगल है ना, ये जंगल में ढुकता तो उसमें कौन जाएगा सर जान गंवाने के लिए। तो आप चिल्लाए नहीं, आप आसपास आवाज़ नहीं दिए? आप मुंह बंद कर रखे हैं तो कैसे चिल्लाते सर? नहीं तो मार देते। तब अब 10 आदमी खड़ा है, 5 आदमी तो वो मार भी करेगा। तो लोग क्या? निर्माण से जुड़ी कंपनी के इंचार्ज प्रमोद पवार ने बताया कि घटना रात्रि 2 बजे के आसपास की हुई है। संबंधित लोग रापा खर्रा की तरफ से आए थे। उन्होंने यहाँ हमारे कर्मचारियों को बंधक बनाने के साथ लगभग 1.25 लाख रुपए कीमत का सरिया पार कर दिया। ये अपना सर काम स्टार्ट हुआ था 22 अप्रैल से, ब्रिज बन रहा है, रोड ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज का काम चल रहा है अपना। अच्छा, क्या हुआ कल रात में, क्या जानकारी? कल रात में सर 1:20 में मुझे लोग सुबह छः बजे बताए, कल ये घटना घटा है कि ये लोग चोर लोग आए, दोनों को मुंह बांध के रखे थे और हाथ में कुल्हाड़ी लिए थे और चाकू भी लिए थे कि तुम लोग हल्ला करोगे, कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें काट डालेंगे, हम सर ये लेके जाएंगे। और फिर यही प्रोसेस चलता रहा था, चोरी करके उन लोग सर ये ले गए, 25 एम के सर ये ले गए, 32 एम के ले गए, 16 एम के सर ये ले गए। कितना ले गए? लगभग 2 टन के समथिंग सर, 2.5 टन। लगभग कितने माल गया होगा, कितने का चोरी हुआ होगा? ये माल लगभग सर 1 लाख तो इन लोग किधर से आए हैं, किस तरफ से आए हैं? ये रापखर्रा गांव की तरफ से आए सर। ये आपराधिक तत्वों के द्वारा इस इलाके से लगातार कोयले की चोरी की जा रही है। जो झाड़ में पहाड़ी होते आते हैं, जो एक जंगल टाइप में यहाँ से आते हैं, लगता है उनका गाड़ी पीछे खड़ा रहता है, और कोयला भी चोरी होता रहता है सर। इधर कोयले की तो लाइन लगी रहती है चोरों की। कितने समय, कब की बात है ये? नाइट में सर, कल नाइट वही 1:20 2:30 के अप्रोक्स लगभग गई। याद रहे कोरबा में सभी प्रकार के अवैध कार्यों पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा रोक लगाई गई है। कोयला, डीजल, कबाड़ जैसे कामकाज ठप पड़े हैं। ऐसे अनेक ठिकानों को सील किया गया है और कार्रवाई की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अवैध कार्य को अब अंजाम कौन दे रहा है और उन्हें संरक्षण किस स्तर से मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।